अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, सऊदी अरब से ईद की नमाज़ को लेकर बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, बड़ी ख़बर ये आ रही है कि वहाँ ईद की नमाज़ कब अदा की जाएगी, आज ईद का चांद वहाँ नज़र आया है या नहीं नज़र आया है। सारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का पाक महीना है और आज जो है सऊदी अरब में 29 रमज़ान मुबारक था, तो वहाँ की हुकूमत ने और पूरी सऊदी ने चांद देखने का अहतमाम किया। चारों तरफ चांद देखने की कोशिश की गई, काफ़ी देर तक कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी किसी जगह भी चांद देखने की खबर नहीं आई है, किसी को भी चांद नज़र नहीं आया है। जिस हिसाब से सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि इस मर्तबा 29 रमज़ान को चांद नहीं नज़र आया है, अब 30 रोज़ा रखा जाएगा और ईदुल फितर की नमाज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 13 मई को अदा की जाएगी। तो ये बड़ी ख़बर निकल के आ रही है कि आज जो है सऊदीया में ईद का चांद नज़र नहीं आया है और वहाँ कल 30 रोज़ा रखा जाएगा और फिर 13 मई को वहाँ ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। तो ये बड़ी ख़बर निकल के आ रही थी जो हमने आप तक पहुँचाया। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देंगे। खुदा हाफिज़।